तो गेस्ट टीचर्स ने सरकार से नियमित करने की मांग की है। टीचर्स ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन रामचंद्र जाखड़ के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मनोहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर्स का कहना है कि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा किया था। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके बाद ना कोई इम्प्रूवमेंट ना कुछ। एक आस थी कि कांग्रेस ने चलो लगा दिया, ठीक है, बीजेपी ने एक वायदा कर दिया कि पक्का करेंगे, लेकिन ना कोई वायदा निभाया गया, ना कोई इम्प्रूवमेंट की गई कि सैलरी हमारी बढ़ोतरी होगी। वो चार साल में थोड़ी सी सैलरी बढ़ी, हम एक तरह से परमानेंट टीचर से हाफ पे।